मैं यहाँ एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको YouTube पे कहीं भी किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाला, लिटरली। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ मैं कुछ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, यहाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ गाड़ी कैसे चलानी है। जैसे बहुत से न्यूबीज होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता गाड़ी कैसे स्टार्ट करनी होती क्या, मैं यहाँ एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको यूट्यूब पे कहीं भी किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाला, लिटरली। कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको ये चीज नहीं बताने वाला है, ये एकदम हटके है, आप खुद ही पहली बार सुनोगे। जिनको चलाने आती होगी उनको पता होगा, जिनको नहीं चलाने होती उनके लिए बिल्कुल ही नई चीज है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा भाई कि भाई आप लंबे तक आपको लेके जाऊं, मुझे वॉच टाइम मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा, ठीक है। गाड़ी आपको चलानी है तो क्या करना है, सबसे पहले आपकी चाबी होती है, चाबी को डालिए, ठीक है। और उसके बाद पहले फिर अपना सीट बेल्ट अपना इन कर लीजिए सेफ्टी के लिए। अगर आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए जा रहे हैं, अगर आपने सीट बेल्ट पहले नहीं लगाई तो इसके पॉइंट्स कट सकते हैं, ठीक है। हैंड ब्रेक को लगे रहने दीजिए, हटाइएगा मत, पहले गियर चेक कर लीजिए न्यूट्रल में है कि नहीं। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए, अगर आप, बहुत से लोग क्या होते हैं थर्ड में लगा होता है और नहीं चेक कर पाते, लगता है न्यूट्रल में है, लेकिन न्यूट्रल में ऐसे होता है, देखिए पूरा गियर दोनों तरफ जाता है। अब आपको क्या करना है, क्लच को दबाना है। जैसे आजकल की बहुत सी गाड़ी आ गई न्यूट्रल में है तो भी बिना क्लच के स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो सेफ्टी के लिए है। क्योंकि भाई पता नहीं होता कि आप लोग, भाई कभी कभी गियर में होता पता नहीं चलता गाड़ी, इसीलिए आजकल की जितनी भी गाड़ियां हैं पहले उनको क्लच दबाना पड़ता है। तो क्लच दबाइए और एक बार ऑन करिए, ये घूं की आवाज आई ना, पहले इसको आवाज को रुकने दीजिए, क्योंकि ये होता है आपके जो फ्यूल पंप है उसकी आवाज होती है, उसको प्रॉपर चल लेने दिया करिए। अब इसको करेंगे स्टार्ट, अब हमने गाड़ी कर दी स्टार्ट, अभी एक बार क्लच छोड़ देंगे। फिलहाल मैंने गाड़ी सुबह स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अभी इसका आरपीएम ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन स्टार्ट करने में गाड़ी को कम से कम 1.5 से 2 मिनट छोड़ना चाहिए ताकि गाड़ी का आरपीएम नॉर्मल आ जाए, ठीक है। अब मान लीजिए गाड़ी स्टार्ट होगी, सीट बेल्ट लगा ली है, अब सबसे पहले करेंगे हैंड ब्रेक को रिलीज। हैंड ब्रेक को रिलीज करते ही क्लच दबाएंगे, फर्स्ट गियर लेंगे, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि क्लच छोड़ते छोड़ते आपको रेस भी लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, मैं सिंपल से बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप क्लच छोड़िए। देखिए हल्का सा क्लच छोड़ा, रेस का काम ही मत रखिए, रेस रखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप सीधे क्लच छोड़िए और ये देखिए गाड़ी चलने लग गई, ठीक है। कोई भी ऐसा फंडा नहीं है भाई आपको कंफ्यूज करने के लिए, होते कि भाई बचपन से ही बताते हैं कि आधा आधा पहले क्लच छोड़ो फिर उसके बाद रेस लो, इस हिसाब से गाड़ी चल जाएगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ धीरे धीरे पहले क्लच छोड़ देना, अब से क्लच छोड़ दिया गाड़ी चल रही है, अब आप धीरे से इस पर रेस ले लीजिए। क्लच को भी आप चाहे फ्री कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लच को पूरा रिलीज कर दीजिए, ठीक है। अभी हो गया आपका स्टार्ट, अभी होगी पहली गियर में, अब सेकंड गियर में लेनी है, तब आपको क्या करनी है, रेस को छोड़ देनी है, रेस को छोड़ने के बाद क्लच को दबाना है, फिर वापस सेकंड गियर लेना है, फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है और रेस के एक साथ लेना है। यानी फर्स्ट गियर का कंसेप्ट जो बहुत से लोग कहते हैं कि क्लच छोड़ने के साथ साथ फिर एक्सेलेरेटर लेते रहो तो गाड़ी उठेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है आपको रेस लेने की। आजकल गाड़ियां क्लच में ही उठ जाती है पहली गियर में, तो ऐसे है भाई आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आज पहला फंडा था, अब आगे मैं आपको बताऊंगा कॉर्नरिंग का आइडिया कैसे लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ना हो जाए, ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए मैं छोटी सी ट्रिक ये मैंने आपको बताई है। YouTube पे कहीं पे भी अगर किसी ने बता रखा हो तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कि भाई यहाँ इन चैनल वालों ने बता रखा है कि भाई गाड़ी का ना फर्स्ट गियर में गाड़ी को ऐसे उठाते हैं, ठीक है। गाड़ी को फर्स्ट गियर में ऐसे ही उठाया जाता है, रेस नहीं दोगे तो भी उठेगी, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो ये आज के ट्रिप में था कि भाई गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है, भाई अपना सीट बेल्ट का जरूर ध्यान रखना है, हैंड ब्रेक रिलीज करना है, न्यूट्रल चेक करना है, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करनी है और फिर फर्स्ट गियर में लेके गाड़ी को ऐसे उठाना, फिर आप चाहें तो स्पीड के अनुसार गियर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।